तो हे गाइस वेलकम टू माय चैनल, आप देख रहे हैं मोटा ब्लॉग्स और मैं आपके साथ कौशल। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30, ठीक है, और मैं निकल गया हूँ आरामबाग के लिए। आरामबाग से मैं जाऊंगा तारकेश्वर, क्योंकि वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास मेरा कुछ नोट्स है, तो वो नोट्स मुझे लेने जाना है। नेक्स्ट मंथ मेरा एग्जाम है नर्सिंग का, ठीक है, तो एग्जाम में पास तो करना है ना, कुछ तो पढ़ाई करना होगा, तो इसलिए मैं निकल गया हूँ। ये देखो एकदम पूरा सेफ्टी के साथ, ठीक है, मैं जहाँ पे भी निकलता हूँ हेलमेट पहन के ही निकलता हूँ, तो आप भी हेलमेट पहन के ही बाहर जाओ, ठीक है। तो फिलहाल ये देखो मेरा है बाइक, और वो देखो ये है नदी, तो ये नदी पार करके जाऊँगा। तो मैं बाय रोड से भी जा सकता था, मैं उधर से ही जाता था, बट आज सोचा कि थोड़ा आपको ब्लॉग भी दिखाता हूँ, थोड़ा बहुत सीन्स भी दिखाता हूँ, इसलिए आज नदी पार करके जाएंगे, ठीक है। तो चलो, अभी 9 इधर आ गया है, बहुत सारे बाइकर यहाँ से जा रहे हैं, तो चलो मैं भी वहाँ से चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। बाकी आप मेरा पीछे का बैकग्राउंड देख ही सकते हो। चलो आपको भी एक व्यू दिखाता हूँ बैक का। सो देखो, वो देखो वो है नाव, तो उसमें जाऊंगा मैं। तो चलो आपको चलता हूँ, ये रोड से जाना होगा, ये रोड से देख रहे हो आर्म टाइप किससे किससे जाता है। चलो मैं मोटर ही सेटअप करता हूँ तब तक के लिए। तो मैं आपको यहाँ का चार्जर बता देता हूँ, ये जो मैं नाव पार करके नदी पार करके आया हूँ ना, इसका चार्जर है ओनली 15 रुपीज़, ठीक है, और ये शॉर्टकट भी बहुत पड़ रहा था, तो आपको नया चीज़ देखने को भी मिल गया। तो चलो अभी चलते हैं आरामबाग। सो गाइस, अभी हम लोग निकल रहे हैं तारकेश्वर के लिए, ठीक है, तो बाइक से नहीं जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, तो जल्दी चलते हैं। 9:30 को ट्रेन है, अभी टाइम हो रहा है 9:12, तो जल्दी चलते हैं। तो यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दिया, अब जल्दी चलते हैं। तो फाइनली स्टेशन पे आ गया हूँ, ठीक है, ये रहा गैरेज का टिकट और ये रहा स्टेशन का टिकट। तो चलो अभी ट्रेन के लिए वेट करते हैं। तो आ गया हूँ मैं रेड चप्पल पे, मेरा नहीं है, मेरा दादा का है, मैं तो शू पहन के आया था, रेड टी शर्ट रेड चप्पल, इतना गर्मी में और शू पहनने का मन नहीं हो रहा। तो ट्रेन अभी तक नहीं आया, कब आएगा पता भी नहीं। और एक चीज़ देखो, अभी जस्ट अनाउंस हुआ था और इन लोगों को देखो धूप में जाके खड़ा हो गया, ट्रेन कब आएगा इसलिए। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस के सुफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। वल्ला ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है। तो गाइस, आपने इतना अच्छा व्यू है ना, मैं जितना आपको दिखा रहा हूँ उतना ही कम मुझे लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है पता नहीं, बट मुझे आप अगर बोलोगे तो मैं जितना भी आपको दिखा रहा हूँ उतना ही कम लग रहा है मुझे, इतना अच्छा व्यू है पूरा सामने, ये देखो। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। तो गाइस देखो, मेरा पीछे है स्टेशन और सामने व्यू दिखाता हूँ, सामने का व्यू देखो, पीछर स्टेशन और इधर व्यू देखो, ये होता है विलेज का व्यू, ठीक है ना। नहीं, उम्र कब की बरस के सुफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। हम लोग आ गए हैं तारकेश्वर, सो उस ट्रेन से हम उतर के इस ट्रेन में आ गए, न्यू ट्रेन में आ गए, मतलब ये ट्रेन से जाएंगे मालिया तक। तो चलो चलते हैं। तो ये ट्रेन चला गया।
का। तो मैं अभी हूँ नालीकुल में, मेरा फ्रेंड आ रहा है, तो चलो आपको मेरा फ्रेंड से मिलाते हैं। तो फिलहाल मैं हूँ नालीकुल स्टेशन में, तो चलो अभी चाय पीता है, मेरा फ्रेंड आ रहा है। तो हमेशा समझते थे कोई हम जैसा हाजी ही होगा, हाय जोर करे कितना शोर करे, बेवजह बातों पे हमें गौर करे। चौमट पर देख रहे हो, रिटेक ले रहा हूँ कि तू फिर से आ जा। देखो देखो, इसको पता भी नहीं है कि मैं रिटेक पहले से शूट कर रहा हूँ। तो फाइनली मेरा दोस्त आ गया, ऐसे ही दिखाना पड़ता है यूट्यूबर का लाइफ, ठीक है ना? ठीक है। नहीं फाइनली देखो, इतना सारा जेरॉक्स करवा लिया है, कुछ पढ़ाई करना भी होगा ना, सिर्फ ब्लॉग करने से कुछ नहीं होगा। तो चलो ये सब जेरॉक्स बैग में भरते हैं और चलते हैं यहाँ से। और ये बंदा मुझे करवा दिया है क्योंकि मेरा सब नोट्स चोरी हो गया था हॉस्टल में। तो चलो एक एक भरते हैं और चलते हैं आरंभक फिर से। तो चलो अभी चलते हैं यहाँ से। से घबरा रहे हैं सारी जवानी, कतरा के काटी पीरी में टकरा गए हैं। दिल धड़कता है तो ऐसे लगता है वो आ रहा है, यही देखता ही। बहुत अलग टेस्ट है इसका, बहुत चौकोबार बहुत कुछ खा लिया पर इसके जैसा टेस्ट नहीं है। ये लम्हे कटते नहीं क्यों आँखों से मेरी, हटते नहीं क्यों, डर लगता है कुछ से कर। तो हम लोग फाइनली आरंभक फिर से आ गए हैं स्टेशन पे। देखो गाइस इतना सारा लोग कहाँ जाते हैं, ये सारा लोग पता नहीं। आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो आरंभक में मेडिकल कॉलेज हो रहा है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना तो आरंभक और भी ज्यादा डेवलप हो जाएगा। और ये रहा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। अभी बाइक लेते और यहाँ से चलते। अरे भाई बाइक किधर है मेरा, वो रहा। बारिश गिरना स्टार्ट हो गया है, बाइक को यहाँ पर रख दिया है, तो अभी आ गया हूँ घर पे। चलो ये गया था मेरे साथ मेरा दादा, वो अभी घर चलते हैं और ब्लॉग को एंड करते हैं।